Hello everyone, hi, I'm Shine Pearl and welcome back to my channel once again. और अभी किसी ने मुझे कमेंट किया था कि दी आपकी नाक थोड़ी सी बड़ी दिख रही है. भाई मेरे प्रेगनेंसी में सब चीज़ बड़ा हो जाता है. आप फैलने लगते हो, फूलने लगते हो, सो इट्स ओके. एंड इवन आई डोंट बॉदर कि मेरी नाक बड़ी हो रही है, आँख बड़ी हो रही है या मुंह बड़ा हो रहा है. आई डोंट केयर. आई एम जस्ट इन्जॉइंग माई प्रेगनेंसी एंड लेट मी इन्जॉय माई प्रेगनेंसी. ओके सो बट थैंक यू सो मच इतना नोटिस करने के लिए, क्योंकि आजकल लोग नोटिस नहीं करते ये सारी चीज़ें, बट आपने किया, थैंक यू. ओके सो आज का जो वीडियो है मैं इस चीज़ पे बनाना चाह रही हूँ. इसके पहले ना मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रही हूँ. अभी मैं ईमेल्स का कोई रिप्लाई नहीं दे रही हूँ, ठीक है. अगर कोई सक्सेस स्टोरी है तो ही आप सेंड करिए. अभी मैं किसी को भी काउंसलिंग करने के मूड में नहीं हूँ, एटलीस्ट टिल माई डिलीवरी, और डिलीवरी के बाद कुछ महीने, शायद एक दो महीने और, क्योंकि आई टोटली वॉन्ट टू फोकस ऑन माई सेल्फ और अपने चीज़ों पर मैं फोकस करना चाह रही हूँ. मैं चाह रही हूँ कि ओनली गुड थिंग्स शुड रीच माई आइज एंड ईयर्स, ठीक है. तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप बार बार मेरा वीडियो देख सकते हैं. बिकॉज कैसा होता है ना, मैं जो बात आपको मेल के थ्रू बोलूँगी ना, वही बात आपको मैं कमेंट के थ्रू बोलूंगी, वही बात मैं आपको वीडियो के माध्यम से बोलूंगी. तो ऐसा कोई स्पेशल ज्ञान नहीं मैं बांटती हूँ. मेरे पास जो ज्ञान है वो सभी के लिए इक्वल है. कोई ऐसा नहीं है कि मैं स्पेशली, अगर कोई मेरे पास आता है तो आई स्पीक समथिंग डिफरेंट. नो, आई स्पीक द सेम थिंग जो मैं वीडियो में बोलती हूँ. सो आज का जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो है अबाउट 17 सेकेंड्स रूल. अब 17 सेकेंड्स रूल क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ. 17 सेकेंड्स रूल जो है ये मैंने आई थिंक अब्राहम हिक्स और वेन डायर का एक कोई क्लिप आया था, काफ़ी साल पहले आया था. और ये अभी क्या हो रहा है ना, ये अभी बहुत पॉपअप हो रहा है मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे शॉर्ट्स पे, पता नहीं क्यों. तो मुझे लगा कि हो सकता है यूनिवर्स इज गिविंग मी साइन कि आई शुड टॉक अबाउट दिस 17 सेकेंड्स रूल. अब्राहम हिक्स कहती हैं कि जो 17 सेकेंड्स होते हैं ना आपके लाइफ के, या आपके आपके टाइम पीरियड के जो 17 सेकेंड्स होते हैं, अगर आपने ये 17 सेकेंड्स में किसी चीज़ को होल्ड कर लिया, कोई थॉट को होल्ड कर लिया ना, तो क्या होता है कि आप वो चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेते हो, है ना. अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि अरे हम लोग तो दिन भर भी वो चीज़ सोचते हैं तब भी मैनिफेस्ट नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये पावर के बारे में नहीं पता है ना. हम लोग रीप्रोग्रामिंग क्या होती है सबकॉन्शियस माइंड की? सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग वो होती है जब आप कोई चीज अपने दिमाग में डालते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हो, फिर वो आप रीडिंग के थ्रू डालते हो, या किसी से बात करते टाइम आपके दिमाग में कोई चीज चली जाती है, या फिर आप कोई चीज देख रहे हो उसके थ्रू आपके दिमाग में कोई चीज चली जाती है. तो क्या होता है, इस तरीके से क्या होता है, नॉलेज इज पावर, जो बोलते हैं ना कि नॉलेज रखना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. क्यों होनी चाहिए? जब तक कि आपको उसको उस चीज के बारे में नहीं पता होगा, अब वो चीज को मैनिफेस्ट करने में या रीप्रोग्रामिंग करने में आपको डिफिकल्टी होती है. समझ में आ रहा है? तो ये 17 सेकंड का जो रूल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. अभी जो भी आप सोचोगे, अब जब आपके दिमाग में ये क्लिक हो गया है कि अब 17 सेकंड्स में भी आप मैनिफेस्ट करते हो, या वो चीज मैनिफेस्ट हो जाती है जो 17 सेकंड के लिए आप होल्ड करते हो, अब क्या होगा, पहले शुरुआत में आपको वो चीज फेक लगेंगी, लेकिन ये चीज अब मैंने आपके दिमाग में डाल दी, राइट, या मेरे दिमाग में किसी के थ्रू आ गई, जैसे कोई वीडियो के थ्रू आ गई, तो क्या हो गया, अब ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो गया. मतलब मेरे दिमाग में वो चीज को आ गई है, फिर भले वो ट्रू हो वो फॉल्स हो, मतलब वो झूठ हो वो सच हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो हिट किया है 17 सेकंड रूल. तभी मैं आपसे भी बात कर रही हूं, तभी आप ये वीडियो भी देख रहे हो, गेटिंग मी. तो कहीं ना कहीं वो आज नहीं तो कल आपका वो बिलीफ बन जाएगा, जब आप उसको बार बार सुनेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, तो वो चीजें हो जाती है, मतलब वो अपना बिलीफ बन जाता है. बिलीफ क्या होता है? बिलीफ का मतलब होता है एक आइडिया या एक थॉट जो आप बार बार सोचते हो, और बार बार जब आप सोचते हो तो उसके एविडेंसेस सबकॉन्शियस माइंड आपके सामने लाते जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को बिलीव कर चुका होता है, तो वही चीजें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती है, और फिर वो क्या हो जाता है, वो आपका बिलीफ बन जाता है.
गेटिंग मी? तो इस तरीके से आप बिलीव फॉर्म करते हो, लेकिन सबसे पहले आपको वो थॉट को डालना जरूरी है, भले ही वो झूठ हो, भले ही वो सच लगे, डजंट मैटर, वो थॉट का एंटर करना ही इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो 17 सेकेंड रूल जो होता है, अब्राहम कहती हैं, वेन डायर से वो कह रही थी कि जब आप 17 सेकेंड के लिए कोई एक थॉट को पकड़ के रखते हो, फिर वो कोई भी थॉट हो, अच्छा थॉट हो या बुरा थॉट हो, मतलब या आप किसी की अच्छाई कर रहे हो या आप किसी की बुराई कर रहे हो, या आप अपने मैनिफेस्टेशन या अट्रैक्शन के बारे में सोच रहे हो या आप अपने डिस्ट्रैक्शन के बारे में सोच, कुछ भी हो सकता है। 17 सेकेंड के लिए अगर किसी थॉट को आपने होल्ड किया, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो कंटिन्यूसली काम कर रहा है, यूनिवर्स क्या कर रहा है, कान लगा के बैठा है कि हाँ भाई ये बंदे क्या चाह रहा है ना। तो जो भी आप चाह रहे हो, तो वो 17 सेकंड के लिए एक थॉट को आपने पकड़ के रखा, उसके बाद क्या होता है, 17 सेकंड्स के बाद उस सेकंड आप ऐसे ही एक और थॉट को अट्रैक्ट करते हो, है ना। जैसे हम लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं, बहुत लोग होते हैं कि अरे दी मैं तो ये सब चीजें कर रहा हूं, एफर्मेशंस कर रहा हूं, लेकिन आपके सेल्फ टॉक, आपके थॉट्स उसके बारे में क्या सोच रहे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बोल देने से लेकिन आप बिलीव नहीं कर रहे हो, आपके कहीं ना कहीं यू नो सेल्फ टॉक नेगेटिव है, ये सेल्फ टॉक की बात मैं कर रही हूं, ठीक है। तो 17 सेकंड्स के लिए आप जो सेल्फ टॉक कर रहे हो, जो एक थॉट को पकड़ के रख रहे हो अपने दिमाग में, अगर वो नेगेटिव है तो आप कितना भी पॉजिटिव बोलो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज हर चीज क्या होती है, शुरू दिमाग से होती है, फिर वो जाके अस्तित्व में आती है, यू नो योर 3D रियलिटी में कब आती है, जब वो 4D रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाती है। और 4D रियलिटी में कोई भी चीज, टाइम का कोई लिमिट नहीं है, इमेजिनेशन में टाइम का कोई लिमिट नहीं है। तो 4D रियलिटी में क्या होता है, 4D क्या है, मतलब इमेजिनेशन, इमेजिनेशन क्या है, थॉट्स विद इमेज, ठीक है। तो क्या होता है, जब आप 17 सेकंड्स के लिए कोई चीज को सोच रहे हो, तो सेम लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, वैसा ही थॉट आपके सामने फिर लेकर आता है, फिर 17 सेकंड्स के लिए आप उसको अट्रैक्ट करते हो, फिर 17 सेकंड्स के बाद एक और थॉट आता है आपका। तो क्या होता है, जब आप 17 सेकंड्स के लिए ये होल्ड करते हो, तो 68 सेकंड्स के लिए, अब्राहम कहती है कि जब आप 68 सेकंड्स कोई एक थॉट को उस समय तक के थॉट को आपने पकड़ के रख लिया, मतलब वो मैनिफेस्ट हो गया। अगर आप कोई नेगेटिव सिचुएशन में हो, है ना, अगर फॉर एन एग्जांपल कई लोग हैं जिनके डिवोर्सेस का प्रॉब्लम हो रहा है, जिनके एसपी फोन नहीं करते, जिनके एसपी यू नो बॉयफ्रेंड से लड़ाई चल रही है, गर्लफ्रेंड से लड़ाई चल रही है, घर वालों से कोई प्रॉब्लम चल रही है, पेरेंट्स से कुछ इश्यूज चल रहे हैं, अगर आप उस चीज का ड्रम बीट करते रहोगे कि अरे यही हो रहा है, आपको रियलिटी से हट जाना है, क्योंकि वो जो रियलिटी आपके सामने अभी आ रही है ना, वो क्यों है, बिकॉज आपका कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट हुआ था 4D रियलिटी में, तो अब वो 3D रियलिटी में आपका सबकॉन्शियस माइंड दिखा रहा है। इन शॉर्ट, ये जो चीजें आपके लाइफ में चल रही है, ये आपका पास्ट है, पास्ट थॉट का रिजल्ट है ना। 3-4 दिन या बोलो कई महीनों से आप जो चीज चाह रहे थे वही चीज आपके सामने आई, लेकिन आपको पता नहीं था। अब आप कहोगे अरे मैंने तो ये अट्रैक्ट नहीं किया, मैंने तो ये फला चीज को अट्रैक्ट नहीं किया था, मैंने तो कभी नहीं चाहा कि मेरे हस्बैंड मुझे डिवोर्स दे, या मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरे बच्चे मेरे साथ बदतमीजी करे, लेकिन आपने क्या हुआ, आपने भले ही वो चीज के बारे में बोला ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग ने ये चीज के बारे में सोचा, और वो सोच इतनी ज्यादा बढ़ गई, 17 सेकंड, और हर बार आप वही चीजें सोचते सोचते क्या होता है, वही चीजें आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो जाती है, और फिर आप बोलते हो, कंप्लेन करते हो, आप ब्लेम करते हो कि अरे वो थर्ड पर्सन ने मेरी लाइफ में ये चीजें की। वो थर्ड पर्सन का कोई रिलेशन नहीं होता है, फोर्थ पर्सन का, सेकंड पर्सन का कोई रिलेशन नहीं होता है, सबसे मेन रिलेशन वो होता है जो आपका होता है ना। आप अपने दिमाग में किस चीज को चला रहे हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही चीज देता है जो आप फील कर रहे हो, जो आप बिलीव करते हो, जो आप थॉट्स रखते हो, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक रूल है। तो इसीलिए जब भी आप 17 सेकंड के लिए कोई एक थॉट पकड़ते हो, तो अगर सपोज कोई सिचुएशन आपके लाइफ में, फॉर एन एग्जाम्पल, अब सोल्यूशन की बात करते, प्रॉब्लम खत्म करते, राइट, अब सोल्यूशन की बात करते, फॉर एन एग्जाम्पल आपके लाइफ में कोई कॉन्ट्रास्ट चल रहा है, क्या आप चाहते हो ये चीज हो आपके लाइफ में? ऑब्वियसली नहीं, तभी आपके लाइफ में ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो अच्छा, आप ये चीज नहीं चाहते, तो इसका डिफरेंटली आप क्या चाहते हो, वो पहले सॉर्ट आउट कर लो, है ना। जैसे हम लोग
फॉर एन एग्जाम्पल मैं आई फील लाइक मेरे पास फॉर एन एग्जाम्पल अभी पैसा नहीं है, पैसों से रिलेटेड वेल्थ के रिलेटेड भी लोगों ने मुझसे कुछ पूछा था, तो वेल्थ के रिलेटेड करते. अब चलिए मेरे पास पैसा नहीं है, छोड़ दीजिए मेरे कितने क्या बिलीफ मैंने रखे थे, पास्ट इज ओवर, उसके ऊपर अपना कोई कंट्रोल नहीं. अभी जो अपना पावर है वो है प्रेजेंट टेंस में, अपने पास जो भी पावर है वो प्रेजेंट में है. ठीक है, ये चीज़ आपने सोचा, ठीक है, फॉर ए पर्सन या फॉर मनी, फॉर रिलेशनशिप, फॉर पेरेंट्स, फॉर लव, फॉर व्हाटएवर, जो भी आपका सिचुएशन अभी है, जो भी प्रॉब्लम है, पहले आप बैठ जाओ. ठीक है, पहले आप लिख लो. लिखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लिखने से बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती है. ठीक है, ये चीज़ें आपके लाइफ में चल रही है. अच्छा ठीक है, मुझे ये नहीं करना है तो मुझे क्या करना है. एटलीस्ट आपको ये सिचुएशन से यू शुड बी ग्रेटफुल कि आपके लाइफ में आज कॉन्ट्रास्ट है, तो आप उस सिचुएशन को, उस कॉन्ट्रास्ट को जब देख रहे हो तो आपका विजन क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए. राइट, आपको ये सिचुएशन नहीं चाहिए, तो आपको चाहिए क्या उसके ऊपर फोकस करिए. अब इसका ड्रम बीट करना छोड़ दीजिए, अभी फोकस किस पे करना है, अपने को इस पे करना है, क्या चीज चाहिए. नाउ उसके बारे में जो चीज चाहिए, ऑब्वियसली वो पॉजिटिव चीज चाहिए आपको, तो वो पॉजिटिव चीज के बारे में सोचिए फॉर 17 seconds, है ना. 17 seconds के लिए कोई एक अच्छा थॉट पकड़ के रखिए, ठीक है, या कोई एफर्मेशन पकड़ के रख लो, या कोई सिचुएशन है उसको रिवर्स करके उसको एक एफर्मेशन में कन्वर्ट कर लो. हर एक का एफर्मेशन अलग होता है. अब मैं अगर बोलूंगी कि मतलब अगर मैं आपको कोई एफर्मेशन दे रही हूं लेकिन वो एफर्मेशन आपके लिए काम मतलब आपको वो फीलिंग नहीं आ रही है तो उसमें कोई मतलब नहीं है. राइट, अपना एफर्मेशन खुद बनाने की कोशिश करो, दूसरों पर डिपेंडेंट होना कम कर दो, अपना एफर्मेशन खुद बनाओ. जो चीज अच्छी लग रही है उसको बार बार रिपीट करने में कोई बुराई नहीं, वही एफर्मेशन होता है एक्चुअली. तो उसके बारे में आपने एक एफर्मेशन तैयार कर लिया, ठीक है, ये एफर्मेशन को आप 17 seconds के लिए रिपीट करो, बार बार रिपीट करो अपने दिमाग में 17 seconds के लिए. अब क्या होगा, और फिर 17 seconds बाद आप ये देखोगे कि आपके लाइफ मतलब उसी टॉपिक के रिलेटेड आपको कोई अच्छा सोच आ रहा है. एक अच्छी सोच आपने पकड़ के रखी, उसके बाद क्या हुआ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ में आ रहा है, अच्छा इसको ये चीज पसंद आ रही है, तो वो और एक नई थॉट प्रोसेस आपके लाइफ में लाएगा, मतलब वो थॉट आपको अट्रैक्ट करेंगे आप. इस तरीके से आप 68 seconds के लिए एक अच्छे थॉट को पकड़ के रखो, जो भी चीज आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो. जैसे कि अगर डिवोर्स के कगार पे हो, एज पे हो, तो ये बोलो कि आई लव माई हस्बैंड, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे, उनके बारे में, क्योंकि आप उनसे रिलेशन अच्छा करना चाहते हो तो उनके बारे में अच्छा सोचो. 17 seconds के लिए अच्छा सोचा, फिर एक नया थॉट आया, फिर उसके बारे में अच्छा सोचा, फिर एक नया थॉट आया, फिर उसके बारे में अच्छा सोचा, तो ऐसे 68 seconds के लिए जब आप सोचते हो तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे आपके वाइब्रेशंस हाई होने लगते हैं और चीजें धीरे 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 खत्म होने लगती है. क्योंकि हम लोग क्या होता है, रियलिटी को इतना ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं कि हमें लगता है यही मेरी सच्चाई है, बट ये आपकी सच्चाई नहीं है, ये आपके पास्ट की यू नो कॉन्सिक्वेंसेज रिजल्ट है. अभी आपके पास क्या है, अब पास्ट में जो आपने कर लिया वो खत्म, वो नहीं आप चेंज कर सकते हो. अभी आप क्या कर सकते हो, आप अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते हो, अपने थॉट प्रोसेस चेंज कर सकते हो, आप अपने जो चीज आप जिसके साथ रिलेशन आपका सही करना है, या जिसके साथ आप पैसों से रिलेटेड अगर कोई रिलेशन आपका सही करना है, या किसी इंसान के रिलेटेड आपको सही करना है, तो आप उसके बारे में अच्छा करो, उसको ब्लेस करो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, धीरे धीरे चीजें आपकी सुधरने लगेंगी. ये 3-4 days जब आप करते हो कंटिन्यूसली विदाउट फेल, एज इफ यू आर डूइंग एन एक्सरसाइज विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा या बहुत ज्यादा, क्योंकि एकदम से आप बोलोगे नेगेटिव से मैं पॉजिटिव हो जाऊं तो वो नहीं पॉसिबल होता है, या एकदम से आप बोलोगे मेरी सिचुएशन आज मैंने सोचा 17 seconds बाद मेरी सिचुएशन अलग हो जाए, वो आपको तुरंत नहीं दिखेंगी, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है उसने वो मैनिफेस्ट किया है, तो आप पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को उसके रिप्लेसमेंट में आप डाल रहे हो, तो धीरे धीरे चेंजेस आने लगते हैं. क्योंकि हम लोग नेकेड आई से हम लोगों को एक्चुअली बिगर चेंजेस दिखते हैं. अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे आपको माइनर चेंजेस भी दिखेंगे, लेकिन अब हर जगह आप माइक्रोस्कोप नहीं लेकर घूम सकते हो. राइट, क्योंकि हमारा नेचर, हमारा ह्यूमन बॉडी इस तरीके से बनाया गया है, हर पल आपका चेंज हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या होता है ना, उस चीज पे फोकस नहीं करते, हमको लगता है कि यही हमारी रियलिटी है.
यहाँ हम लोग अच्छा सोच रहे होते हैं, फिर बाद में हम रियलिटी पे जंप करते हैं, जो हमारी सो कॉल्ड रियलिटी होती है, हमको लगता है कि अच्छा ये चीज जो है ना मेरे लाइफ में जो हो रही है अभी, यही मेरी सच्चाई है। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं वो डिमिनिश हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो क्या होता है, आपका फिर वाइब्रेशन लो हो जाता है, फिर आपने वही चीज को मैनिफेस्ट कर लिया। समझ में आ रहा है? ये बाउंस बैक वाला सिस्टम छोड़ दो, रियलिटी कुछ नहीं होती है, वो सब बकवास है, वो पास्ट का थॉट प्रोसेस का रिजल्ट है। अब रिजल्ट आ गया, उसको छोड़ दो, अब नए रिजल्ट की तैयारी करो, नए एग्जाम की तैयारी करो, है ना। एक बार फेल हो जाता है इंसान, ठीक है ना, फेल हो गया हो गया, ठीक है, इट्स ओके, होता है, मिस्टेक्स होती है, खत्म करो उसको। अब क्या करोगे, आप तैयारी करोगे। तो तैयारी कैसे करोगे, आप अच्छा सोच सोच के तैयारी करोगे। अब जब भी आप सोचोगे उस इंसान के बारे में, या पैसों के बारे में, या रिलेशनशिप के बारे में, या हेल्थ के बारे में, तो हमेशा अच्छा सोचो। जब आप अच्छा सोचोगे तो क्या होगा, आप धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका कुछ आने वाले वक्तों में चीजें बदल जाएंगी, ठीक है। तो दिस इज 17 सेकेंड्स रूल, कोई भी सिचुएशन हो आप 17 सेकेंड में उस चीज को बदल सकते हो। भले ही वो आपको मेजर चेंज नहीं दिखाएगा तुरंत, लेकिन वो माइनर चेंजेस के साथ जब आप बेबी स्टेप्स लेते हो, आप एकदम से नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं हो सकते, जैसे मैं बोल रही थी, धीरे धीरे आप पॉजिटिव होंगे। कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि एकदम से आप पॉजिटिव हो जाओ और फिर एकदम से आप नेगेटिव हो जाओ, नहीं, धीरे धीरे। पॉजिटिव से भी आप नेगेटिव होंगे तो धीरे धीरे आओगे, क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं है। जिस तरीके से नेगेटिविटी की कोई लिमिट नहीं है, उस तरीके से पॉजिटिविटी की भी कोई लिमिट नहीं होती है। तो क्या होता है, जब हम लोग नेगेटिव सोच रहे होते हैं ना, तो धीरे 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 नेगेटिव सोचते हैं तो वो चीज हमारे सामने आ जाती है। द सेम वे जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो धीरे 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 जब आप पॉजिटिव सोचने लगोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आने लगेंगे आपके सामने, ठीक है। तो दिस इज वॉट यू हैव टू डू, बट आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है विद 17 सेकेंड्स रूल। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि 17 सेकेंड रूल क्या होता है और ये कितना आसान है कि आप कोई भी सिचुएशन को बदल सकते हैं। बस आपको अपना 17 सेकेंड रेडी रखना है, ठीक है, उस थॉट को, उस एफर्मेशन को आपको बोलना है, ठीक है। सो विद दिस नोट आई टेक साइन ऑफ, थैंक यू।